नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं BFM के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेस को आपके सामने लेकर आया हूं। तो ये हमारा कुल मिलाकर 10 पेज का PDF का फार्मूला है, जिसमें फार्मूला का PDF है दोस्तों, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हमारे BFM में पूरे के पूरे ABCD मॉड्यूल में जो है उसका कंपाइलेशन है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि AVM में मैंने आप लोगों के साथ फार्मूला डिस्कस किया था और होपफुली उसका उस बेसिस पे आपके क्वेश्चन भी आए थे, तो कम समय में आप यदि आप आगे का जो दो दिन है उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें और इस फार्मूले को रिवाइज करें बार बार, तो निश्चित रूप से आपके जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये फार्मूला रहेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से मैं ये PDF आपके साथ लाया हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये PDF आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले फार्मूले को। करंट यील्ड जो है वो होता है कूपन रेट इंटू 100 बाई करंट मार्केट प्राइस। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मेरे कोई भी वीडियो पे में उसका कोरिजेंडम एक बार जरूर देख लीजिएगा, कुछ करेक्शन रहता है जो कि मैं कमेंट सेक्शन में लिखता हूं या डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं, तो एक बार करेक्शन को जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि त्रुटि कहीं हो जाती है, गलती हो जाती है, चाहे MCQ में हो चाहे आपका फॉर्मूलेज में हो, तो उसको मैं करेक्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में यानी तो डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख देता हूं, तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए करंट यील्ड का बात करते हैं। करंट यील्ड का फॉर्मूला है कूपन रेट इंटू 100 अपॉन करंट मार्केट प्राइस। वेट, ये दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल डी का जो लास्ट टॉपिक है RARUC वाला, उससे ये चार फॉर्मूले होते हैं और इस पर आपका निश्चित रूप से ये केस स्टडी बनता है दोस्तों। तो वेट देखिए, BFM का दो चीज़ हो सकता है, या तो पेपर पैटर्न 2018 जैसा हो या 2019 के जून जैसा हो, तो वो सिंपल पैटर्न था, लेकिन यदि 2019 के दिसंबर जैसा पैटर्न यदि आ गया तब समझ के चलिए कि वहाँ पे आपका पेशेंस चेक होता है। ठीक है, वहाँ पे घबराना नहीं है उस पेपर को देख के, क्योंकि बिल्कुल ही अलग लेवल था पेपर का, 2019 के दिसंबर का पेपर का मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यदि 18 जैसा पेपर आए या जून के 19 जैसा पेपर आए तब तो ठीक है, तब तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन 19 का जो पेपर था उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो एनालिटिकल बेस्ड थे, यानी आपका एनालिसिस पावर सही होना चाहिए, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं या ना समझ पा रहे हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 18 जैसा ही पेपर आए, तो चलिए सबसे पहले वेट का फॉर्मूला देखते हैं। RSL अपॉन RSA, ये वेट का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला है ड्यूरेशन गैप का, जिसे DGAP कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है DA x weight x DL। दोस्तों इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी समझाया था कैसे इसे आप याद रख सकते हैं। लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला है RSA अपॉन नेटवर्थ, और ध्यान रखिएगा दोस्तों नेटवर्थ में हमारा टायर 1 और टायर 2 दोनों आता है। उसके बाद दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, DGAP x लिवरेज रेशियो, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन यील्ड। और एक और फॉर्मूला है हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, मैकलॉड ड्यूरेशन प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है। अब दोस्तों इसके बाद 8वां नंबर फॉर्मूला है ड्रॉप इन इक्विटी वैल्यू। ड्रॉप इन इक्विटी वैल्यू का फॉर्मूला है चेंज इन रेट इन बेसिस पॉइंट इनटू MD अपॉन 100। ये सब फॉर्मूला वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने इसके बेसिस पे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया है दोस्तों, क्योंकि मेरे जो चैनल है उस पर आपको केस स्टडीज मिल जाएंगे, आपको MCQs मिल जाएंगे, या उस सभी में मैंने हर एक फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे डाटा को यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, किस फॉर्मूला की क्या लिमिटेशंस हैं, वो सब मैंने समझाया है। 9th नंबर फॉर्मूला है कि जो स्टैंडर्ड लोन होते हैं उसके लिए जो प्रोविजन होता है वो 4.4% होता है, ठीक है, और ग्रॉस NPA को हमें इसमें रिमूव करना है। जो हमारा NPA का प्रोविजन होता है उसका फॉर्मूला है ग्रॉस NPA माइनस नेट NPA। जो एडवांस का प्रोविजन है उसका फॉर्मूला है प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड लोन प्लस प्रोविजन फॉर NPA। और दोस्तों एक टर्म है प्रोविजन कवरेज रेशियो, ध्यान दीजिएगा प्रोविजनल कवरेज रेशियो जो है वो ग्रॉस NPA पे कैलकुलेट किया जाता है और 70% पे, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल NPA प्रोविजन, इसको नोमिनेटर में लिखेंगे एन ग्रॉस प्लस नेट, इसको नोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे ग्रॉस NPA, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी PCR का फॉर्मूला है टोटल NPA प्रोविजन अपॉन ग्रॉस NPA, ये बेसिकली PCR का फॉर्मूला है। इसके बाद दोस्तों प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर एंड SME सेक्टर, ये है 0.25। प्रोविजन फॉर CRE सेक्टर, ये है हमारा 1%। प्रोविजन फॉर CRE RR सेक्टर 0.25। दोस्तों EMI का फॉर्मूला याद होगा आपको, P × R × 1+R⁄N/ दोस्तों यहाँ पे गलती से ये स्कैन में नहीं कर पाया हूँ, इसको लिख लीजिए आप 1+R⁄N-1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P × R × 1+R⁄N/ 1+R⁄N-1। दोस्तों यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे WhatsApp नंबर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसपे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप कुछ प्रोविजन का मैं फॉर्मूला बताता हूँ। 20% से कम प्रोविजन है तो रिस्क वेट होता है 150%। 20 से 49 के बीच में यदि है प्रोविजन तो उसका रिस्क वेट होता है 100, और यदि 50 से 50 से ज़्यादा है तो उसका रिस्क वेट होता है हमारा 50%। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुछ और देखिए, सिक्योर और अनसिक्योर के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है।
देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसे रफ किया है, साइड में मैंने लिखा है सब स्टैंडर्ड के लिए सिक्योर्ड के लिए, देखिए 15%, D1 के लिए सिक्योर, सब स्टैंडर्ड का पहले बात करते हैं, सिक्योर्ड के लिए 15%, अनसिक्योर्ड के लिए 25% और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए 20%, D1 के लिए D1 सिक्योर्ड के लिए 25%, अनसिक्योर्ड के लिए 100%, D2 सिक्योर्ड के लिए 40%, अनसिक्योर्ड के लिए 100%, D3 सिक्योर्ड के लिए 100%, अनसिक्योर्ड के लिए 100%, लॉस के लिए 100%, अनसिक्योर्ड लॉस के लिए 100%। स्टैंडर्ड अप्रोच में रिटेल लोन जो है उसका उसका रिस्क वेट है 75%, हाउसिंग लोन का है 50% और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नील है। दोस्तों इसके अलावा 18वां नंबर फॉर्मूला है हमारा रीऑर्डर लेवल का। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन आपको एलसी में पूछा जा सकता है, लिमिट लेटर ऑफ क्रेडिट टॉपिक में। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा बीपीवी का। बीपीवी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन यील्ड अमाउंट अपॉन परसेंटेज चेंज इन यील्ड और इनटू 0.0001 इनटू एफबी। दोस्तों इसे इसका आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज इन वैल्यू अपॉन चेंज इन यील्ड, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब दोस्तों देखिए परसेंटेज में यदि रहेगा तो ऊपर वाला यूज कीजिए और दोस्तों यदि यदि डायरेक्ट है वैल्यू दिया हुआ है तो नीचे वाला यूज कीजिए। पीवी इंडेक्स का फॉर्मूला है पीवी अपॉन आईवी। 21वां नंबर फॉर्मूला है हमारा एआरआर का, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट को नोमिनेटर में और एवरेज इन्वेस्टमेंट को डिनोमिनेटर में। 22वां नंबर फॉर्मूला है हमारा इफेक्टिव एनुअल रेट का, इसका फॉर्मूला है 1+1/n होल टू द पावर n माइनस 1, सॉरी 1+r/n होगा दोस्तों, यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया है मैंने, ये 1+r होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को जरूर देखिए, जो भी करेक्शन होता है वो मैं आपको वीडियो देखते वक्त ही समझा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, मेरे वीडियो में जहाँ जहाँ करेक्शन यदि है तो उसको मैं वहीं समझा दिया हूँ, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 1+r/n होल टू द पावर n माइनस 1 होता है। 23वां नंबर फॉर्मूला है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट माइनस कैपिटल टाइम्स डिस्काउंट रेट। 24वां नंबर फॉर्मूला है हमारा CRAR का, याद रखिएगा CRAR में नोमिनेटर में टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल यानी टोटल कैपिटल फंड को लिखते हैं और डिनोमिनेटर में क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क को लिखते हैं। बैसल 2 कहता है इसे 8% और बैसल 3 कहता है इसे 9%, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता हो गया CRAR का फॉर्मूला। इसके बाद दोस्तों फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला आप देख लीजिए, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन माइनस करते हैं बाइंग के केस में और सेलिंग के केस में मार्जिन को ऐड करेंगे। बाइंग रेट होता है दोस्तों लोअर ऑफ द टू, सेलिंग रेट हायर ऑफ द टू, ये तो पता होगा आपको। बाइंग रेट जो है जिस दो डाटा आपको दिया जाता है, जो लोअर होता है बाइंग रेट होता है और जो हायर होता है वो सेलिंग रेट होता है। इसके बाद दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क का फॉर्मूला याद रखिए, 15% ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट का 15%, ठीक है। और ग्रॉस इनकम इन केस ऑफ लॉस। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है एफबी, फ्यूचर वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+r होल टू द पावर n, यानी तो और पी टाइम्स 1+1/t इनटू n टाइम्स n टाइम्स t। और यदि प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो फ्यूचर वैल्यू दिया हो तो पी अपॉन 1+r होल टू द पावर n। अब दोस्तों 2.33 फैक्टर यूज फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क कैपिटल एट द रेट 99% एंड 1.28 फॉर 90% एंड 1.65 फॉर 95% VAR। तो दोस्तों ये जेड वैल्यू है, जेड वैल्यू आप लोगों ने एवीएम में देखा होगा। तो यदि रिस्क कैपिटल हमारा 99% है तो जो जेड फैक्टर यूज करते हैं वो 2.33 है, यदि रिस्क कैपिटल हमारा 90% है तो जेड वैल्यू यूज करते हैं वो 1.28 है और यदि वीआर हमारा 95% है तो जो फैक्टर यूज करेंगे वो हमारा है 1.65। वीआर वैल्यू एट रिस्क टॉपिक में मैंने इसका एप्लीकेशन भी आप लोगों को समझाया है। दोस्तों 1 डे वीआर का फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड इनटू अंडर रूट ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। यील्ड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एफ वी माइनस एम पी अपॉन एम पी इंटू 365 अपॉन ड्यूरेशन रिमेनिंग इंटू 100। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा पीई का। पीई का फॉर्मूला है एम पी एस अपॉन ई पी एस। ई पी एस का फॉर्मूला है पी ए टी अपॉन पी कैप इंटू एफ बी। स्प्रेड का फॉर्मूला है एस पी माइनस बी पी अपॉन एस पी माइनस बी पी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में देखिए, एक चार्ट मैंने बनाया है, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बायर और एक्सपोर्टर एप्लीकेंट होता है, वो जो है ओपनिंग या इशुइंग बैंक के साथ कांटेक्ट करता है। दोस्तों वो ओपनिंग और इशुइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को कंसल्ट करती है, एडवाइजिंग बैंक जो है वो वेरीफाई करती है एलसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को, वो कंसल्ट करती है बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी सेलर होता है या एक्सपोर्टर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंपोर्टर होता है, याद रखिए गलती से मैं एक्सपोर्टर बोल रहा हूँ, बाय बेनिफिशियरी हमारा इंपोर्टर होगा या सेलर होगा। और दोस्तों वो कंसल्ट किसे किसे करेगा, नॉमिनेटेड और नेगोशिएटिंग बैंक को, और फिर वो कंसल्ट करेगी ओपनिंग और कन्फर्म इशूइंग बैंक को, और नीचे एक कन्फर्मिंग बैंक होती है तो बेनिफिशियरी से वो कन्फर्म करती है। दोस्तों उसके बाद यूसीपीटीसी एलसी के बारे में याद रखिएगा, डीलिंग इट डज, ध्यान दीजिएगा,
ये जो है डॉक्यूमेंट से डील करता है, गुड्स एंड सर्विस से डील नहीं करता है, और ये डिफेक्ट और स्क्रूटनी के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। और भी बहुत सारे नियम हैं UCPDC के, लेकिन मुझे लगा ये दोनों नियम पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इस नियम को लिख लिया है। बाकी नियम यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे LC के वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए LC के टाइप हैं, पहला है DP, देखिए शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए हैं दोस्तों, DP या साइट LC। तो DP मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, या इसे साइट LC भी कहते हैं। दूसरा LC का टाइप है DA और यूजांस LC, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो साइट LC ही हमारा DP होता है, और हमारा यूजांस LC हमारा DA होता है। इसके बाद रिवॉल्विंग LC, रिवॉल्विंग LC, फिर इरिवोकेबल LC, फिर कंफर्म LC। उसके बाद दोस्तों आता है रेड क्लॉज LC। रेड क्लॉज LC में क्या होता है, LC प्लस प्रीशिपमेंट फाइनेंस। ग्रीन क्लॉज LC में क्या होता है, LC प्लस प्रीशिपमेंट फाइनेंस प्लस क्या होता है दोस्तों, आपका गुड्स का स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद बैक टू बैक LC, ट्रांसफरेबल LC, स्टैंड बाई LC, ऑदर्स। दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज किया जाता है यूनिट लेवल पे। फिमडा का फुल फॉर्म याद कीजिएगा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस PDF में मैंने वो टॉपिक को इंक्लूड किया जिसपे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, या 2-3 साल में मैंने एनालाइज किया, फिर इस PDF को प्रिपेयर किया हूँ। तो दोस्तों यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे WhatsApp पे मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन रिस्क एक तरह का ऑपरेशनल रिस्क होता है। FEDAI का फॉर्मूला है, FEDAI का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों ADR GDR बेसिकली क्या होता है, सर्टिफिकेट इशूड बाई बैंक फॉर ऑनरशिप ऑफ फॉरेन शेयर। FAS, देखिए कुछ हमारा इनको टर्म्स हैं। FAS होता है दोस्तों फ्री अलॉन्ग साइड शिप। इसमें क्या होता है दोस्तों, डिलीवर्स अलॉन्ग साइड बायर वेसल्स एंड ही हैज़ टू बियर ऑल कॉस्ट। ठीक है, नॉन कंटेनर्ड सी फ्राइट इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आता है फ्री अलॉन्ग साइड शिप। उसके बाद दोस्तों आता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। तो इसमें जो सेलर है वो पोर्ट तक बियर करेगा कॉस्ट को, और बायर पोर्ट के बाद डेस्टिनेशन तक बियर करेगा। और दोस्तों जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पार्ट ऑफ शिपमेंट होते हैं। फिर CIF आता है दोस्तों, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। सेलर को इंश्योरेंस लेना है 110% ऑफ वैल्यू टिल पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। उसके बाद आता है दोस्तों CIP, यानी एडिशनल चार्जेज एट पोर्ट। तो ये ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। VAR होता है वैल्यू एट रिस्क, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो मैक्सिमम लॉस होता है वो होता है। PMMR होता है प्रोबेबिलिटी मैट्रिक ऑफ मार्केट इंडेक्स। BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, 13 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। ट्रेजरी बिल पता याद रखिएगा 91 दिन का होता है, 182 दिन का होता है, 364 दिन का होता है। ये बेसिकली एक तरह का शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि सरकार इशू करती है। इसमें 0 कूपन सिक्योरिटीज होते हैं, और दोस्तों ये कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती, ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू की जाती है और फेस वैल्यू पे रिडीम की जाती है। 91 दिन का हर एक वेडनेसडे को इशू होगा, 182 दिन का वेडनेसडे को इशू होगा प्रेसिडिंग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे। जो देखिए एक होगा रिपोर्टिंग फ्राइडे, एक होगा नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे। तो जो नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे है उसके जो प्रीसीडिंग वेडनेसडे है उसमें 182 दिन वाला ट्रेजरी बिल इशू होगा, और जो रिपोर्टिंग फ्राइडे है उसके जो प्रीसीडिंग वेडनेसडे उसमें 364 दिन वाला होता है, और पेमेंट जो है वो फॉलोइंग फ्राइडे को होगा। दोस्तों इस नोट्स के अलावा आप यदि 3-4 बार देखेंगे, इसके अलावा देखिएगा मैक्सिमम फॉर्मूला इसी नोट से आएगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और यदि आप एप्लीकेशन जानना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियोस केस स्टडी वाली प्लेलिस्ट को देखिए, BFM के केस स्टडीज को। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेजरी बिल के बारे में, तो ये मिनिमम जो है 25,000 रुपये के लिए इशू किया जाता है, और इसके मल्टीपल में रहता है दोस्तों। और हर एक बैंक को अल्टरनेट फ्राइडे को रिपोर्ट करना है, इसको रिपोर्टिंग फ्राइडे कहते हैं, और दूसरे फ्राइडे को हम लोग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे कहते हैं। ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। उसके बाद दोस्तों CVLO होता है हमारा कोलेट्रलाइज बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। उसके बाद दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर ऑफ करेंसी फॉर फिक्सिंग प्राइस ऑफ द करेंसी। पार्टिसिपेटरी नोट कौन इशू करती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती है। किसी इशू करती है तो ओवरसीज इन्वेस्टर को इशू करती है, ताकि वो भारत के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके बिना सेबी से रजिस्टर्ड हुए। बॉन्ड का YTM होता है हमारा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों SBI ने पहला बेस रेट इंट्रोड्यूस किया था 7.50। बेस रेट क्या होता है दोस्तों, बेस रेट में हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट या बोरोइंग आता है। RBI का बेस रेट इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई 2010 से। ठीक है, ALCOs क्या होता है दोस्तों, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटीज होते हैं। MCLR हमारा 1 अप्रैल 2016 से आया, जिसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट कहते हैं। इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनर पेमेंट, नेगेटिव कैरिंग ऑन CRR का, ये सब इन कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। रिजिलिएंट क्या होता है दोस्तों, रिजिलिएंट मतलब होता है कि एक क्षमता हमारे अंदर कि हम जो है डिफिकल्ट सिचुएशन को कॉम्पेंसेट कर सकें। प्रूडेंशियल मतलब होता है फेयर थाउट। बैंक ने Basel III को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2013 से, और उसने कहा कि 2019 से 31 मार्च 2019 तक फुल्ली इम्प्लीमेंट करना है, else not allowed। दोस्तों इसके बाद परपेचुअल के बारे में पता होना चाहिए, ये नेवर एंडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर यानी CCB।
ठीक है, ये बैंक बिल्ड करती है ताकि वो लॉस को क्लियर कर सके। दोस्तों इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला, कैपिटल मेजर अपॉन एक्सपोजर मेजर, लिवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR होता है, MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, NSFR होता है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ये बेसिकली इफेक्टिव है ये 2018 से, 1 जनवरी 2018 से। स्ट्रेटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग ये हमारा जून 2015 से स्टार्ट इफेक्टिव है। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2001 से। CRILC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन लार्ज क्रेडिट। ICAP का फुल फॉर्म है इंटरनल कैपिटल एडुकेसी प्रोसेस। EVA है दोस्तों इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, यानी प्रॉफिट माइनस कैपिटल टाइम डिस्काउंट रेट। देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हैं सभी के सभी फॉर्मुला यहाँ पे आप लिखे गए हैं। ये PDF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपको शॉर्ट रिवीजन में। आगे आने वाले 2 दिनों में जितना बार हो सके उतना बार देखिए और इस पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। SMA 0 का मतलब हुआ लेस देन 30 दिन, ठीक है। SMA 1 का मतलब हुआ 31 से 60 दिन। तो दोस्तों इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है। और SMA 2 का मतलब हुआ 61 से लेके 90 दिन। उसके बाद दोस्तों आप टैक्स रेट देख सकते हैं और उसके बाद हाउसिंग लोन का LTV ये जो है देख सकते हैं। ये सब डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ ये भी पता होना चाहिए आपको। RWA का 9% आपका कैपिटल चार्ज होता है, ये हमारा Basel II कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और RWA का 11.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर के साथ, जो कि हमारा 2.5% है। उसके बाद एक फॉर्मूला है हमारा एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस टाइम पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट इनटू 1 माइनस इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद दोस्तों YTM का फॉर्मूला है कैपिटल एक्सपोजर टू सिंगल बॉरोवर। एक सिंगल बॉरोवर को कैपिटल एक्सपोजर होता है कैपिटल फंड का 15% फॉर क्रेडिट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्रेडिट होना है तो दोस्तों उस केस में होता है कैपिटल फंड का 20%। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, सिंगल बॉरोवर के लिए 15% और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपोजर है 20%। YTM का फॉर्मूला है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ रेशियोज हैं, जैसे आप ये सब रेशियो के भी क्वेश्चन पूछा गया था, UCPDC देख लीजिएगा। उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नॉन रेजिडेंट इंडियन के बारे में देख लीजिए। सेविंग अकाउंट NRO अकाउंट के लिए होता है, NRO अकाउंट होता है हमारा, NRO अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, मतलब देखिए सेविंग अकाउंट से NRO में कन्वर्जन और NRO अकाउंट से सेविंग बैंक में कन्वर्जन। नेपाल और भूटान रेजिडेंट के लिए PIO कौन होता है, PIO एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। फॉरेन नेशनल कैन ओपन, जो फॉरेन नेशनल है वो सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसे NRO अकाउंट में वे कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो छोड़ रहे हैं तो। और दोस्तों विजिटिंग फॉर अनसर्टेन पीरियड, ये सब हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के अंदर आते हैं। और यदि वो बाहर जा रहे हैं स्टडीज़ करने के लिए दोस्तों एक मीन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये सब आप लोग EVM में भी देखे होंगे, मीन वेरियंस को वेरियंस एक बार इसे देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों NDD आपको पता है नेशनल ड्यू डेट, वो होता है बिल डे प्लस 25 डेज। फिर उसके बाद दोस्तों आपका स्वैप्स, ठीक है, स्वैप बेसिकली एक डेरिवेटिव का टाइप होता है इन विच अंडरलाइंग डिनोमिनेशन इन वन करेंसी बट द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज सेटल्ड इन अदर करेंसी एट द सेम रेट। रिस्क का टाइप देख लीजिए, बेसिक रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब है आवर अकाउंट विथ यू, वास्ट्रो अकाउंट का मतलब है योर अकाउंट विथ अस, लोअर अकाउंट का मतलब है देयर अकाउंट विथ देम। दोस्तों इसके बाद आप देख लीजिए DTL के अंदर रिमेनिंग ऑल, NDTL के अंदर कैपिटल रिजर्व्स, टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक और आपका NABARD, ठीक है। तो दोस्तों ये सब ध्यान रखिएगा, DTL के अंदर क्या आता है, NDTL के अंदर क्या आता है। मेरे प्लेलिस्ट में आपको BFM के केस स्टडी में आपको CRR पे बेस्ड एक केस स्टडी मिल जाएगा जिसको आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों। RTGS जो है अक्टूबर 2004 के बाद आया, डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, कॉल मनी ओवरनाइट होता है 1 दिन के लिए, नोटिस मनी 14 दिन के लिए होता है, टर्म मनी 1 साल के लिए होता है दोस्तों। आर्बिट्रेज मतलब हुआ एक स्टॉक एक्सचेंज में बाई करना और दूसरे में बेचना ताकि गेन कर सकें। टोटल कैपिटल फंड का फॉर्मूला है टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल। उसके बाद दोस्तों उसके बाद कुछ और फॉर्मूला है देख सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल चार्ज का फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्रॉस इनकम का 15%, ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला है इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस अदर नॉट नॉन इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद दोस्तों बेसिक इंडिकेटर अप्रोच ऑपरेटिंग रिस्क का में RW का फॉर्मूला है कैपिटल चार्ज अपॉन मिनिमम Basel III CRR। बीटा फैक्टर याद रखिएगा स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर आता है ये, यदि एजेंसी सर्विस के लिए 15%, एसेट मैनेजमेंट के लिए 12%, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 18%। और Basel III में Basel III का फॉर्मूला याद रखिएगा, कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क इनटू 11.5% इजिकल टू RWA विद CCB इंक्लूडेड। उसके बाद दोस्तों टायर 1 और टायर 2 का कंपोनेंट याद रख लीजिएगा, इसमें एक करेक्शन कर लीजिए दोस्तों, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसको मैंने गलती से लिख दिया है आपका टायर 2 में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, रिवैल्यूएशन रिजर्व को टायर 2 में लिख दिया है, आप कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा, मैं इसे करेक्शन यहीं पे बता रहा हूं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा टायर 1 का कंपोनेंट है और बाकी तो आपको पता ही होगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी को देख लीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देख लीजिएगा, सिग्मा अपॉन यू होता है।
इसके बाद दोस्तों स्टैंडर्डाइज अप्रोच और बीआईए में डिफरेंस देख लीजिए। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में बीटा फैक्टर इनटू एसेट वैल्यू होता है और बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में 15% ऑफ एसेट वैल्यू और ग्रॉस इनकम होता है। और यहाँ ग्रॉस इनकम में नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन प्लस स्टाफ एक्सपेंस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कैपिटल चार्ज फॉर लास्ट टू ईयर्स मीन्स एवरेज ऑफ लास्ट टू ईयर ग्रॉस इनकम। अब देखिए प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट होता है प्राइस ड्यूरेशन इनटू 0.0001 इनटू 100 मिनिमम टायर वन कैपिटल टू सपोर्ट क्रेडिट मार्केट ऑपरेशन विद कैपिटल कंजर्वेशन बफर 9.5% मिनिमम टायर वन कैपिटल विदाउट सीसीबी 7% ठीक है। बेसिस रिस्क होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस नॉट मूवमेंट इन मूवमेंट। दोस्तों एनयूटी का ये फॉर्मूला है इसे नोट कर लीजिएगा एफबी और पीबी का। उसके बाद एडजस्टेड गैप का फॉर्मूला याद रखिए सेविंग बैंक प्लस फिक्स डिपॉजिट माइनस कॉल मनी प्लस कैश क्रेडिट। कैश इन हैंड और करंट डिपॉजिट जो है वो रिप्राइसिंग के लिए वो रिप्राइसिंग के लिए सब्जेक्टेड नहीं होता है। अल्टीमेट जेड स्कोर का फॉर्मूला देख लीजिए 1.2T1 प्लस 1.4T2 प्लस 3.333 प्लस 0.64 प्लस 0.999T5। T1 होता है वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट, T2 होता है रिटेन अर्निंग बाय टोटल एसेट, T3 होता है EBIT अपॉन टोटल एसेट, T4 होता है दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी, T5 होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट। जेड स्कोर का वैल्यू यदि 1.81 से कम है तो डिस्ट्रेस जोन है, 1.81 से 2.99 के बीच में तो ग्रीन जोन है और 2.9 ज्यादा है तो सेफ जोन है। इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट जो होता है वो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होता है। फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन फॉर सेल कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम फॉर फेल पीरियड अप टू इन डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी चार्ज दैट इज फुल 3 मंथ वेयर एज फॉर परचेस कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम वुड बी पास्ड ऑन ओनली अप टू बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दैट इज अप टू द स्टार्ट डेट फॉर 1 मंथ ओनली। कैश ऑन हैंड प्लस करंट डिपॉजिट आर नॉट रिप्राइजिंग एसेट, ये मैंने ऊपर ही बताया है। नेट इंटरेस्ट इनकम का ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईआई का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, एनआईएम का फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट और इकोनॉमिक इक्विटी का रेशियो का फॉर्मूला है टोटल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। टोटल इक्विटी को हम लोग शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं बीएफएम के उसका कलेक्शन। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आप लोग क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर पाए और अपना मैक्सिमम फोकस की स्टडी पे दे पाए। उम्मीद है दोस्तों आपको लेसन पसंद आई होगी, एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ तक पहुँचाइए ताकि उनका भी बीएफएम का जो डर है वो खत्म हो। धन्यवाद।